दर्शक और आप देख रहे हैं महाबहस। उत्तर प्रदेश की सियासत में लाल रंग पर जंग छिड़ी हुई है। मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी की लाल टोपी के पीछे काले कारनामे वाला बयान दिया तो अब अखिलेश यादव ने भी तीखा पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने लाल रंग को क्रांति का रंग कहा है। अखिलेश यादव का कहना है कि ये इमोशंस को दिखाता है और बीजेपी को हार का सदमा लगा है, इसीलिए हर जगह लाल रंग दिख रहा है। उपचुनाव की लड़ाई करीब है तो ऐसे में सीएम योगी के वार और अखिलेश यादव का पलटवार इसे और तीखा बना रहा है। आज महाबहस में करेंगे यूपी में रंग वाली सियासत का विश्लेषण, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। यूपी में लाल टोपी पर तिरछी सियासत। इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। योगी पर अखिलेश सबसे तीखा तंज। कभी कभी लोगों को सदमा लगता है, आप सब लोग जानते हो, जब सदमा लग जाता है तो कुछ कुछ लोग बोलते हैं ये लाल रंग क्रांति का है, लाल रंग हमारे इमोशंस का है, ये लाल रंग मेल मिलाप का है, ये लाल रंग इमोशन का है। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। काले कारनामे पर अखिलेश का मिलन वाला पलटवार। लाल टोपी ही है कि इनको सत्ता से अलग करेगी। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लाल टोपी से घबराई है। यूपी का सियासी रण, लाल रंग पर जंग। तो आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य है, इंसाफ का राज्य है और कहीं पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और उन्हें जो दिखाई देता है अखिलेश को, अखिलेश जी की पार्टी ही अपराधियों पर आधारित है। लाल टोपी पर योगी वर्सेस अखिलेश। महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की डिबेट। तो एक एक करके वो सवाल आपके सामने रखते हैं जो चर्चा के माध्यम से अपने सभी पैनलिस्ट से हम पूछने जा रहे हैं। तो सवाल नंबर एक, यूपी में लाल टोपी पर तिरछी सियासत शुरू, यानी जिस लाल रंग की बात हुई थी वो लाल से काला और एक बार फिर से लाल किस तरह परिभाषित हुआ है, कैसे सियासत उसके इर्द गिर्द घूम रही है, इस पर करेंगे सवाल। और सवाल नंबर दो पूछेंगे कि यूपी का सियासी रण लाल रंग पर फिर जंग, क्योंकि अब उपचुनाव का रण है, उपचुनाव नजदीक है तो ऐसे में मुख्यमंत्री जो वार करते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता जी, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ गई हैं। सदमा लगा है तो वो रेड सिग्नल है जो लाल दिख रहा है। देखिए या तो रंगों का मनोविज्ञान समझाने में लग गए अखिलेश जी। अयोध्या में है उसके लिए कौन सा रंग जिम्मेदार है? कन्नौज में नवाब छोड़ने की पैरवी करते थे तो उन आतंकियों से जो प्यार और स्नेह आपसे, और ये रंगों का मनोविज्ञान समझाने के लिए जो लंबा। दीपक रंजन जी, अब ये रंगों का मनोविज्ञान पूरी तरह से सियासी रंग में रंग चुका है। आशा जी, आज इत्तेफाक से मैं जहां बैठा हूं आपके स्टूडियो में, यहाँ चारों तरफ लाली लाल है और मैं समझता हूँ आपका जो चैनल का थीम है वो भी रेड कलर है, लाली रंग है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बाबा जो है, इनको सिर्फ बतौलेबाजी से फुर्सत नहीं, सिर्फ बतौलेबाजी करते हैं। और मैं समझता हूं जिसका खून सफेद हो चुका है उसको लाल रंग से चिढ़ है। लाल रंग हमारे लिए संघर्ष का प्रतीक है, आपसी मिलन का प्रतीक है, ये हमको संघर्ष की प्रेरणा देता है। और मैं पूछना चाहता हूं, अभी रंगों का बता रहे थे, कुलदीप सेंगर जी का रंग किस चीज़ का प्रतीक है, चिन्मयानंद जी का रंग किस चीज़ का प्रतीक है, बृजभूषण सिंह जी के खिलाफ जो है देश की महान खिलाड़ी बेटियां जो है बैठी रही वो किस चीज़ का, किस रंग का प्रतीक है, राम रहीम जी को जो आपने पारोल बार बार देते चले आ रहे हैं हरियाणा के चुनाव के लिए वो किस चीज़ का प्रतीक है, आपके बनारस में आपके आई टी सर के लड़के जो है पकड़े गए कुकर्म करते हुए वो किस रंग का प्रतीक है, आपके ऐसे बहुत से फोटोज हैं, ऐसे बहुत से वीडियोज हैं जो आपकी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के और टोपी लगा करके भारतीय जनता पार्टी की जिसपे भाजपा लिखा हुआ है तांडव करने का काम करते हैं, तो वो किस रंग का प्रतीक है? अरे इतने रंग से आप लोग चिढ़ने वाले लोग हैं, हम लोग के वहां तो शादी ब्याह
अच्छा काम होता है उसमें हम लोग लाल रंग को लेते हैं, जब माता रानी की जो हम लोग चुनरी चढ़ाते हैं तो उसका रंग भी लाल है, तो आपको लाल रंग से क्यों इतनी चिढ़ होने लगी, लाल रंग से आपको क्यों चिढ़ हो रही है? मैं तो समझता हूँ आस्था जी, जिसका खून सफेद हो चुका है उसको लाल रंग से उसको चिढ़े नफरत है, जिसके अंदर लाल रंग का खून बह रहा है उसको लाल रंग से नफरत है। मैं समझता हूँ जिसने ऐसा वक्त नहीं, आस्था जी मेरी बात आ जाए, जिसने ऐसा वक्तव्य दिया मैं समझता हूँ उसका खून सफेद हो चुका है, और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की महान जनता ने उनको काम के आधार पर उनको वोट दिया है, और लोगों को उम्मीद थी कि वो काम के विषय में बात करेंगे, लेकिन सिवाय बतौलेबाजी के उनके पास कुछ नहीं है, सिवाय लफाजी के उनके पास कुछ नहीं। प्रियंका गुप्ता जी हमारे बीच में कांग्रेस की प्रवक्ता है। प्रियंका जी, रंगों की सियासत में, रंगों की सियासत में कांग्रेस ने क्या चुना है? आस्था जी, बड़ा दुर्भाग्य है कि उपचुनाव रंगों के आधार पर लड़ा जाएगा, लाल पीला हरा नीला। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास उपचुनाव में बताने के लिए कुछ है ही नहीं कि वो किस मुद्दे पर वोट मांगेंगे। और सबसे बड़ी बात है, आज यहाँ बैठ कर लाल काला कर रहे हैं। अरे 7 से 8 साल हो गए आपकी गवर्नमेंट को, एक भी केस नहीं है, एक भी आदमी जेल में नहीं गया, और उसके बाद आप बैठ के कह रहे हैं कि ये काले मन के लोग हैं। अरे काले मन के लोग हैं तो क्या आप पकौड़े तल रहे हैं? आप भी तो, आपके पास शासन है, सत्ता है, सब कुछ है, डालिए ना जेल में सबको। तो हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में आज मुद्दों पर राजनीति नहीं होती है, बाकी लाल पीले कलर पे हो जाएगी, जिन्ना के जिन्न पे हो जाएगी, और जिन्ना से इनका प्रेम तो वाह वाह असीम, मतलब आप बताइए कि लाल पहले दरअसल टोपी और उसके बाद काले कारनामे की बात हुई थी, जिसमें महिला अपराध से लेकर गैंगस्टर्स के साथ खड़े होना, आतंकवाद के साथ खड़े होना, इस तरह के आरोप है। प्रियंका जी, क्या सवाल था आपका? सवाल मेरा ये कि वो सिर्फ लाल रंग के इर्द गिर्द नहीं थी, वो था लाल टोपी और काले कारनामे, और उस कारनामे में, क्योंकि आपने मुद्दों का जिक्र किया, तो उसमें महिला अपराध से लेकर गैंगरेप से लेकर गैंगस्टर आतंकवादी सभी से जुड़े मुद्दे थे। तो काले अपराधों को काले जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। आप यहाँ बैठ कर बताएंगे कि 7 साल बाद कि ये काले थे, ये पीले थे, ये नीले थे? अरे भाई, आपके हाथ में शासन है, सत्ता है, आप उनको जेल में डालिए और यहाँ बैठकर इंसाफ करिए। और सबसे बड़ी चीज है, मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि ये क्या किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? ये आज साफ हो गया, ठीक है, ये मुद्दा विहीन हो चुके हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं, ये हार पहले ही स्वीकार कर ली, इसीलिए लाल रंग और काले रंग पे ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, डीपी शास्त्री जी हमारे बीच में। डीपी शास्त्री जी, अखिलेश यादव ने कहा है कि लाल टोपी ही हराएगी उपचुनाव में, लाल टोपी इनको सत्ता से हटाएगी। देखिए, अखिलेश जी लाल टोपी बोल रहे हैं, बड़ी अच्छा बात है, लाल मंगल का रंग है, भूमि का रंग है, बल्कि काले करना में उन्होंने टोपी का जिक्र किया। योगी जी, अगर टोपी हम पीला पहने, लाल पहने, सफेद पहने, करनामे क्या कर रहे हैं? करनामे के ऊपर उन्होंने बोला है कि आप जो काम किए हैं उसके ऊपर उन्होंने बोला है। वो सपा को बता रहे हैं कि आपके सरकार, आप लोग जो जो करनामे कर रहे हैं पुराने से लेकर अभी तक, वो सब पब्लिक के सामने आ रहा है, उस चीज का उन्होंने जिक्र किया। लेकिन डीपी शास्त्री जी ठीक है, कारनामे आप कह रहे हैं कि कारनामे कर रहे हैं, लेकिन ये उदाहरण तो दोनों तरफ से दिए जा रहे हैं ना। एक उदाहरण अगर बीजेपी दे रही है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया, तो बहुत सारी घटनाएं सपा या कांग्रेस भी गिनवा रही है कि हाल ही में क्या क्या हुआ। देखिए, लाल रंग मंगल का प्रतीक है, भूमि का पुत्र है, मैं आपसे पहले ही बोला हूँ, संघर्ष के रूप में हमारे सनातन में उस रंग की बड़ी महिमा ली गई है। सभी देवताओं के, देवियों के लिए उस रंग का प्रयोग किया जाता है, एक साहस के रूप भी उसको माना गया है। बल्कि ये जो राजनीतिक लड़ाई है वो लाल और पीला और काले पे आकर अटक गया है। भगवान कृष्ण की प्रतिमा तो काली है, बल्कि दिल उनका गोरा है, काला बदन दिल गोरा, कन्हैया तूने क्या जादू डाला, लाखों लोग दर्शन करने के लिए भगवान कृष्ण के पास जाते ठीक हैं। ठीक है, तो रंग तो अपना अपना अलग रूप में है। ठीक है, बल्कि मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रतिबान त्रिपाठी जी भी हैं। रतिबान जी, अखिलेश ने ये भी कहा कि लाल टोपी इनको उपचुनाव हराएगी, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी जोड़ा कि लाल रंग तो जो है वो मिलन का प्रतीक है, इसीलिए जिनको लाल रंग समझ नहीं आता वो नफरत की राजनीति करते हैं। आस्था जी, एक बड़ा मौजू, एक कविता याद आ गई अचानक कि राजनीति की मंडी बड़ी नशीली है, इस मंडी में सबने मदिरा पी ली है। तो ये रंगों की सियासत, काले कारनामों की राजनीति और बयानबाजी उपचुनाव को लेकर है, और सबके अपने तौर तरीके होते हैं। योगी जी बहुत खुलकर बोलने वाले नेता हैं, तो अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहते हैं। स्वाभाविक रूप से जब उपचुनाव होने वाले हैं, अगले महीने की संभावित है कि उपचुनाव होंगे 10 सीटों पर, और भारतीय जनता पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश उसका प्रदर्शन कमजोर रहा है,
समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन मजबूत रहा है, तो स्वाभाविक रूप से इस तरह की बातें आएंगी। ये जो बातें काले कारनामों की हो रही हैं, तो ये पार्टियों में ये चीज़ें चलती रहती है। स्वाभाविक रूप से समाजवादी पार्टी पर बहुत सारे आरोप रहे हैं इस तरह के। उनके पूर्व नेता जो रहे, पहले स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, उन्होंने कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, ये बात भी उन्होंने कही थी। और जहाँ तक रंग को लेकर के अखिलेश यादव जी ने खुद कहा था एक पत्रकार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस समाजवादी पार्टी कार्यालय में कि अच्छा अच्छा मैं समझ गया हूँ आज आप कौन सा रंग का कपड़ा पहन करके आए हैं। उन्होंने दरअसल भगवा रंग की शर्ट पहन रखी थी, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। तो कुल मिलाकर के ये राजनीति में रंगों की बात, कारनामों की बात सभी करते रहे, अखिलेश यादव भी करते रहे और योगी जी भी करते रहे, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो मौजूदा सियासत है, ये जो मौजूदा राजनीति है, मौजूदा बयानबाजी है, वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव को लेकर है, चुनावी गर्माहट है, और इसके परिणाम आगे पता चलेगा क्या होने वाला है। इस तरह के बयान दोनों तरफ से आते हैं और जिन पर चर्चाएं होती हैं, अलग अलग तरह के मायने निकाले जाते हैं और अपने वोटर संदेश दिया जाता है। मनीष जी, दीपक जी ने बहुत सारे आरोप आप पर लगाए और कहा कि हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं, तो आप काले कारनामों की बात करते हैं, तो आप उस पर भी जवाब दीजिए। देखिए आस्था जी, दीपक जी ने जिन घटनाओं का जिक्र किया उसमें सभी अपराधी जेल में हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने ये नहीं कहा कि अरे भाई ये मुईद खान है, इनका डीएनए करा लो, पॉलीग्राफी टेस्ट करा लो। 12 साल की निषाद की बच्ची के साथ खड़े न होकर रेपिस्ट मुईद खान के साथ सीधे अखिलेश यादव खड़े नजर आए। अभी प्रियंका जी कह रही थी, प्रियंका जी आपके प्रदेश अध्यक्ष है अजय राय जी, उनके भाई का हत्यारा मुख्तार अंसारी, जिसकी फातिया पढ़ने भी अखिलेश यादव गए थे, उनको भी न्याय दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया। तो अब आप लोग अगर अपने प्रदेश अध्यक्ष के भाई के हत्यारों के साथ भी खड़ी नजर आ रही है तो खड़े रहिए, लेकिन जो काले कारनामे हैं उसकी चर्चा होगी। ये जो लाल टोपी पहन के एक था बहुत पहले, मुलायम सिंह के समय से ही चला आ रहा है, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा, तमाम इस तरह के नारे समाज में प्रचलित है। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो आतंकियों की छोड़ने की पैरवी किए थे कि नहीं किए थे? माननीय उच्च न्यायालय ने इनको डांटा था कि नहीं डांटा था? और जानती है आस्था जी क्या कहा अखिलेश यादव ने, आतंकवादियों को छोड़ देंगे तो सांप्रदायिक सद्भाव बना रहेगा, सांप्रदायिक सद्भाव आतंकियों को छोड़ने के नाम पर आस्था जी जहां तक मैं समझता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि जहां तक मैं समझता हूं कि किसी के ऊपर अगर पॉक्सो एक्ट के तहत अगर मुकदमा दर्ज होता है तो उसकी गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर अंदर होती है। मैं पूछना चाहता हूं अपने काबिल प्रवक्ता श्री मनीष शुक्ला जी से कि क्या गोंडा के पूर्व सांसद जी जेल में है? सारे अपराधी जेल में, जिसका इसका मैंने नाम लिया। अभी इन्होंने कहा कि आज पॉक्सो एक्ट पे मुकदमा दर्ज हुआ है, नहीं हुआ। राम रहीम किस मसूद अजहर को किसने छोड़ा था? अरे अगर आप इस तरह बीच में बोलोगे एक सब नहीं बोल पाओगे मनीष भाई, गलत आपने कहा सब लोग जेल में है, ब्रजभूषण सिंह जेल में है? अरे ब्रजभूषण सिंह जेल में है क्या? अरे मनीष शुक्ला जी तरीका ठीक नहीं है इस तरह, मैं इसको बोलने नहीं दूंगा, ये बहुत बड़े प्रवक्ता बनाइए वो शर्म है, आप बात पूरी कीजिए। ये बोले फिर अब ये कोई नहीं बोला है, तर्क नहीं है, शांत नहीं है वो, आपने उनको म्यूट किया इसलिए वो जो है कर रहे हैं। अरे तो बता दो ना कि क्या ब्रजभूषण सिंह जेल में है? सारे लोग जेल में, बता दो सर, तो मैं दे रहा हूँ, पूछ तो रहा हूँ, जवाब तो दे दो, आप दे दो। डीएनए टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट, नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी का सीनियर लीडर है, लालकृष्ण आडवाणी, ये बेशर्मी कैसे आती है आप लोग के अंदर? कब्र पर फातिया पढ़ने क्या कहते हैं?
अरे कहाँ जा रहे हैं बताइए, उत्तर प्रदेश की बात करिए। आपके तो कितनी बेशर्म, कितने बेशर्म लोग हो, कितने बेशर्म पार्टी के बेशर्म लोग हो कि आपके उस टाइम के तत्कालीन राष्ट्रीय फातिया पढ़ने जा रहे हैं धर्म निरपेक्ष अयोध्या में निषाद समाज की बच्ची के बलात्कार के साथ। अरे आप कार्रवाई करो, कठोर से कठोर कार्रवाई करो, कठोर से कठोर कार्रवाई करो। अरे वो कठोर कार्रवाई भी करो, निकाल दो पार्टी से बाहर। प्यार का क्या रंग है अखिलेश यादव बताए? अरे भाई मैं पूछ तो नवाब सिंह यादव से जो प्यार है उसका क्या रंग है? रहा हूँ पूछ तो रहा नवाब सिंह आतंकवादियों को जब छोड़ गए थे तो प्यार का क्या रंग था? किस रंग के बाद आतंकवादियों को मसूद अजहर को किसने छोड़ा था? मसूद अजहर को किसने छोड़ा था? मनीष शुक्ला जी मसूद अजहर को किस पार्टी ने छोड़ा था? संसद भवन में हमला किस पार्टी की सरकार को हुआ था? विचारों की विचारों का दिवालियापन जैसे अखिलेश यादव ने ट्विटर पर दिया है, वैसे आप भी बात कर रहे हो। पुलवामा का हमला की एक जवाब नहीं दे पाओगे, विचारों का दिवालियापन नहीं दे पाओगे। प्रियंका गुप्ता जी, आपसे थोड़ी देर पहले मनीष जी ने बताया, मनीष जी ने बताया जब वो न्याय की बात कर रहे थे, जब वो अपराधियों पर कार्रवाई की बात कर रहे थे, कि आपके प्रदेश अध्यक्ष के भाई को भी न्याय दिलाने का काम इस सरकार ने किया है और आप लोग उस कानून व्यवस्था पर उस नियत पर शक करते हैं। देखिए वो न्यायालय चल रहा था, न्यायालय ने ना किया है, न्याय किया है, उसमें मनीष जी का कौन सा न्याय है हमें नहीं समझ में आया। अच्छा मनीष जी से ये पूछिए कि ये चिन्मयानंद के ऊपर इतना न्याय क्यों कर रहे हैं, उनके ऊपर से सरकार का क्या रोल रहा मुख्तार को सजा दिलाने में? आप बोलूंगी या मैं बोलूंगी, दोनों में से एक ही बोलेगा। मैं बता देता हूँ, पंजाब में प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी मुख्तार को जेल में रख खीर खिला रही थी। मैं जा रही हूँ सरकार पंजाब में खीर खिला रही थी, योगी आदित्यनाथ सरकार सुप्रीम कोर्ट में लड़कर उसको मनीष जी रुक जाइए। प्रियंका जी 20 सेकंड। देखिए इनसे पूछिए कि चिन्मयानंद से ये केसेस वापस क्यों ले रहे हैं? ब्रजभूषण के खिलाफ जो बच्चियां खड़ी हुई थी, एक गवाह थी, उनकी भी जो सिक्योरिटी थी वो वापस ले ली गई, क्या मकसद है? आप लोग चाहते क्या है कि जितने भी व्यभिचारी हैं उनको खुली छूट दे दी जाए? उसी का नतीजा है मनीष जी आपका जवाब, लगातार घटनाएं घटती चली जा रही है, चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो गाजियाबाद, तो सजा कैसे मिली उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की क्या भूमिका? मैं बता देता हूँ, पंजाब के जेल में राहुल गांधी उनका जवाब सभी पैनलिस्ट अगर एक शख्स से पूछेंगे तो एक बार जवाब भी सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश लेकर आई आदित्यनाथ की सरकार, आप लोग एक वक्त में बोलेंगे तो किसी की आवाज साफ नहीं जाएगी, ऑडियो ब्रेक होता है सबका, सबका ऑडियो ब्रेक होता है। भाई को न्याय, दीपक जी शांत हो जाइए। सरकार ने दिलाया, कांग्रेस की सरकार पंजाब में उसको बिरयानी खिलाती थी, खीर खिलाती थी। ठीक है रवि जी, ठीक है बोलिए प्रियंका जी, दीपक जी 1 सेकंड बोलने दीजिए, प्रियंका जी बोलिए। अपराधी थे उनको भी न्याय आप ही ने दिलाया, मणिपुर में भी न्याय आप ही ने दिलाया। अरे आप शर्म करेंगे, थोड़ी तो शर्म करिए कम से कम, शर्म करिए। पंजाब में निषाद समाज की 12 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ, प्रियंका गुप्ता से लेके प्रियंका वाड्रा तक कार्रवाई थी, बलात्कार कैसे हुआ? कम से कम ये तो बताइए कि महिला अपराध लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ता क्यों चला जा रहा है? आपके कार्यवाल लगातार कार्रवाई हो रही है, ममता बनर्जी की तरह तो लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। प्रियंका जी आप लोगों के पास नैतिक अधिकार नहीं है इस तरह की बात करने का। राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा के समर्थकों के मुंह पे ताले लग रहे हैं जब अपराधी मोहित ठाकुर है तो। ठीक है ठीक है, आप सभी शांत हो जाइए। रतिभान जी किसी भी बड़े मामले में या हीनियस क्राइम के मामले में जब आरोपी का नाम सामने आता है तो वहां पर भी सियासत का एक रंग देखने को मिलता है। देखिए राजनीति के लोग अपने अपने को बचाने के लिए, अपने अपने दामन को उजला बताने के लिए, दूसरे के दामन को खराब गंदा और मैला बताने के लिए ये हमेशा सियासत करते रहे और हमेशा करते रहेंगे। सवाल ये है कि अगर अयोध्या में ये घटना हुई है तो समाजवादी पार्टी के को ऐसी इसका समर्थन नहीं करना चाहिए, उस मुलजिम का समर्थन नहीं करना चाहिए था, और भारतीय जनता पार्टी जिनकी सरकार है
उसे उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी। हाँ, इस बीच अगर अगर समाजवादी पार्टी के नेता अगर उनका समर्थन करते हैं तो उनकी निंदा होनी चाहिए, यह निंदनीय कार्य माना जाना चाहिए। सही बात बोलने का मादा सबको होना चाहिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी राजनीतिक दल हो। मेरा ये मानना है कि अयोध्या वाले मसले पर जब अपराधी का नाम सामने आता है, समाजवादी पार्टी का सामने आता है, वहां पर भी सियासत का एक रंग दिखता है। पार्टी चाहे जो हो, दीपेश शास्त्री भी उतनी सक्रियता नहीं, सारे रंग को दंड ना जोड़े। योगी सरकार में सनातन संस्कृति और हमारे जो धर्म है, हम लोग जो मानने वाले हैं हिंदुस्तान में, उसका उदय हुआ है और ये सरकार जो है सनातन संस्कृति को लेके चली है। राजनीतिक जो कुछ भी कहे, योगी राज में गुंडों के ऊपर नकेल कसा गया, जो लोग इस तरह के लोग थे उसको सजा मिली है, ये सारी दुनिया जानती है। इलेक्शन जीते हारे अलग बात है, बल्कि योगी जी अपने लिए कुछ नहीं किए, वो सब भारत के लिए किए, उत्तर प्रदेश के लिए किए, सनातन के लिए किए। आज पूरा भारत का सनातन पूरे विश्व में एक तरफ एक राज के तरफ बढ़ता हुआ, एक समय के मान करता हुआ सब हम लोग देख रहे हैं, सब लोग भारत के तरफ मुंह किए हैं। इसलिए कि अयोध्या काशी मथुरा का उदय काल हुआ है, ये सरकार उसका सहयोग की है। हम इसीलिए उस सरकार को या पर्सनल योगी जी को उसके लिए हम साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। ठीक है, दीपक जी, एक आंकड़ा हमेशा चर्चा में आता है और उदाहरण स्वरूप रखा जाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं को न्याय दिलाने का जो प्रतिशत है वो सबसे ज्यादा है भारत के अंदर, बाकी के राज्य नीचे। अपने स्क्रीन पे आप दिखा पाइए तो दिखा दीजिए, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाकर टोपी लगा करके नंगा नाच रहे, तांडव कर रहे हैं लोग, अगर ये दिखा पाई अपने स्क्रीन पे तो दिखा दीजिए। आप कौन से घटना की बात कर रहे हैं, आप कौन से घटना का जिक्र कर रहे हैं, आपने मेरा सवाल सुना, लूट रहे हैं, अरे कौन से ये, कौन ये दिखा देना हमें लाल टोपी लगा करके जो काले कारना में कोई कोई घटना हुई है तो पुलिस केस हुआ होगा, नहीं हुआ है तो आप उठाइए उस बात को, पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कर रही है तो उठाइए उस बात को। इनके वहां हो तो पुलिस कोई घटना होती है उसके बाद पुलिस उसकी जांच करती है, आरोपियों को पकड़ना उसका फर्ज है, उसकी जिम्मेदारी है, उसमें अगर कोई कोताही है तो आप बताइए। गजब आप पक्ष ले रही भारतीय जनता पार्टी का, मैं पक्ष नहीं ले रही हूँ, मैं आपसे सिर्फ पूछ रही हूँ किस घटना की बात कर रहे हैं। अगर कोई आरोपियों को बचा रहा है, उसके साथ खड़ा है, तो आप बोलिए एक सियासी बहस के अंदर इस बात को। आपने माना, अरे आपने आपने मान लिया ना, अरे भाई दीपक जी बेकार है, अयोध्या में अखिलेश यादव ने डीएनए और पॉलीग्राफ शब्दों के लिए आप मेरे नाम को कोट मत करिए। अगर किसी ने गलत किया तो बिल्कुल कार्रवाई करिए, होनी चाहिए कार्रवाई। कोई किसी को बचा रहा है, आरोपी के साथ खड़ा है, तो आप उठाइए उस बात को। लास्ट 30 सेकंड बचे हैं, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए दीपक जी, लास्ट 30 सेकंड का वक्त है, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। और सवाल यही कि आंकड़ा कहता है कि उत्तर प्रदेश सबसे आगे है बाकी राज्यों की तुलना में महिलाओं के प्रति जो अपराध होता है उनको न्याय दिलाने में, मतलब कोर्ट केसेस और उसके बाद सजा दिलाने में। तो ये तो एनसीआरबी का डाटा कहता ही कहता है कि सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न में करके केस पंजीकृत है तो उत्तर प्रदेश सरकार में है, और आज की तारीख में पिछले 7-7.5 साल से आस्था जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इस पर लगाम कौन लगाएगा? सरकार इनकी है, प्रशासन इनका है, पुलिस इनकी है, उसके बाद लगाम नहीं लगा पा रहे तो फेलोटी किसकी, आप बताइए, आप बताइए फेलोटी किसकी है? 7.5 साल से इनकी सरकार, विपक्ष से सवाल पूछेंगे, सवाल तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 2022-23 का उठा कर देख लीजिए तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि अखिलेश यादव के समय में जो गंभीर अपराध की श्रेणी थी उन सभी अपराधों में उल्लेखनीय कमी आई है। आस्था जी को जनसंख्या होती है, जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से उत्तर प्रदेश में महिला अपराध समय खत्म हो रहा है, मुझे शो क्लोज करना है। कुल मिलाकर जो रंगों की सियासत है वो फिलहाल थमती हुई नजर नहीं आ रही है, वार पलटवार रंगों के माध्यम से ही सही लेकिन उपचुनाव के लिए लगातार जारी। अब सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो रंग को लेकर तंज कसा, उसके बाद अखिलेश यादव ने उसका जवाब दिया और कहा कि लाल रंग तो क्रांति का रंग है। उनका कहना है कि इमोशंस को दिखाता है और बीजेपी को हार का सदमा लगा है, इसीलिए हर जगह लाल रंग दिख रहा है। उपचुनाव की लड़ाई करीब है तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वार और अखिलेश यादव के पलटवार इसे और तीखा बना रहे हैं। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी, आप बने रहिए हमारे साथ।